एक बार फिर से स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में, और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। और टॉपिक नेचुरोपैथी से ही है, क्योंकि नेचुरोपैथी में मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ साफ नेचुरोपैथी को डिफाइन भी किया था, और नेचुरोपैथी के कौन कौन से काइंड्स हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, और किन किन चीजों प्रकृति की किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया गया है नेचुरो पैथी में, और हाइड्रोथेरेपी को भी मैंने रेफरेंस देकर के अच्छी तरह से समझाया था। और मैंने ये भी कहा था कि उसमें जो भी और भी प्रकार हैं उन चीजों को मैं रेफरेंस करूंगा, और आपके कमेंट जैसे जैसे मिलेंगे मैं उन चीजों को फिर से डिफाइन करूंगा, अच्छी तरह से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अभी स्वास्थ्य ब्रिज से ही मैं एक और टॉपिक लेकर के आया हूँ। वीडियो में जाने से पहले मैं ये सबको बता दूं अच्छी तरह से, आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जो भी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि आप घर पे अच्छी तरह से आप अपना प्रिपरेशन कर सके, क्योंकि क्लासेस बंद हैं, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपकी पढ़ाई पे बाधा न पड़े इसलिए यूट्यूब पे आपके क्लास को फिर से स्टार्ट किया गया है। तो आप ध्यान लगा करके इसमें अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं उसको आप फिर से रिवीजन करना ना भूलें, ठीक ना। रिवीजन जैसे जैसे करेंगे आपके दिमाग में वो चीजें रहेंगी, तो आप फिर दूसरों को भी आप शेयर कर सकते हैं, और जानकारी आप जितनी भी आप इकट्ठा करोगे आपके लिए ही फायदे की चीज है। और जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो भी क्लासेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, दो क्लासेस मैं लूंगा, एक तो जीएनएम की जिसमें जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों ईयर के जो भी बैच हैं उनकी क्लासेस मैं बारी बारी से लूंगा, और दूसरी जो क्लासेस चलेंगी वो डी फार्मा की चलेंगी, डी फार्मा आयुर्वेदा की और जीएनएम आयुर्वेदा, दोनों को मैं लेकर के चलूंगा। और जो भी कंफ्यूजन आयुर्वेद, जीएनएम आयुर्वेद और डी फार्मा आयुर्वेद के लिए आपके दिमाग में है वो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो वीडियो में जाने से मैं पहले आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो, आपकी कंफ्यूजन क्या हो क्लियर हो। तो अगर आपको कंफ्यूजन अगर होती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि नहीं आपके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आप दूसरे भी चीजें सर्च करके आप देखेंगे, आपको नॉलेज की कमी नहीं यूट्यूब पे। लेकिन मैं इधर से आपको पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। तो इसलिए इससे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जो डेली जो आपको वीडियो मैं बना करके जो दूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये भी नेचुरोपैथी से ही है, और ये हमारे आहार से रिलेटेड है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसी के हिसाब से हमारी जो जो इलनेस है, जो हम बीमार पड़ते हैं या हमारी तबीयत खराब होती है, वो हमारी पूरी तरह से हमारे भोजन के ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो टॉपिक भी मैं इस तरह का लेकर के आया हूं कि ताकि आपको इससे फायदा हो। जैसे यहां जो टॉपिक मैंने मेंशन किया वो है नेचुरल डाइट, तो नेचुरल डाइट का मतलब प्राकृतिक आहार। तो प्राकृतिक आहार मतलब कि ऐसा आहार जो डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ा हो। तो सबको पता है कि हमें जो फूड है दो ही जगहों से मिल सकती है, एक तो या तो एनिमल से मिले और दूसरा या तो नेचर से मिले। तो अब बहुत लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब कि मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं भी नॉन वेज खाता हूं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है। तो फायदे क्या है, किसमें क्या फायदा है, किसमें क्या नुकसान है, हमारे शरीर पर किसका क्या असर होता है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले दो चीजें मैंने मेंशन कर दी है, मैंने कुछ लैंग्वेज ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे यूज किए जिससे आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव फूड लिखा हुआ है, फिर नेगेटिव फूड लिखा है, तो आपको डायरेक्टली यहीं से समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है और कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव को मैंने प्राइमरी से मेंशन किया और नेगेटिव को मैंने सेकेंडरी से मेंशन किया। तो पॉजिटिव जो फूड है उसमें
फायदे क्या क्या चीजें, क्या ये पॉजिटिव जो फूड है हमारे शरीर में जाने के बाद से क्या करता है, और किस फूड को हम पॉजिटिव फूड कहेंगे। तो जो पहला पॉइंट है उसमें फोकस किया गया हेल्दी फूड, मतलब अगर फूड हेल्दी है तो वो पॉजिटिव फूड में गिना जाएगा। मतलब कि फूड अगर पॉजिटिव है, मतलब हेल्दी है तो पॉजिटिव है, तो हेल्दी फूड किसे बोलेंगे? अगर वो फ्रेश है और अच्छी तरह से पका हुआ है, जिसमें तेल मसाले की मात्रा ज्यादा नहीं है, भुना तला नहीं है, तो वो हेल्दी फूड है। आम भाषा में हम उसे हेल्दी फूड कहेंगे, मतलब कि स्वास्थ्यवर्धक फूड है, वो हमारे शरीर में जाने के बाद से हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको हम पॉजिटिव फूड बोलेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब कि वो नेचर, उसका जो प्रकृति हो वो बेसिक हो, मतलब कि वो ना तो वो बेसिक नेचर का ही हो, मतलब कि क्षार हो, मतलब एसिड ना हो, वो अम्ल ना हो, क्षार हो, बेसिक नेचर का वो हो। फिर तीसरा जो पॉइंट मैंने मेंशन किया वो क्या है, लाइट इजिली डाइजेस्टेड, मतलब कि वो भोजन जो हो हल्का हो और आसानी से पचने वाला भोजन हो, हल्का हो और आसानी से पचने वाला हो। चौथा है रिच इन सेलुलोज एंड रॉगेज। सेलुलोज को समझने से इसको सिंपली मैं बता देता हूँ। सेलुलोज मतलब अगर आप बोलेंगे वुड पल्प भी, जैसे पेड़ की जो छाल होती है उसमें भी सेलुलोज होता है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज का मतलब छिलके से है। सेलुलोज का मतलब छिलके से, अगर आप छिलके वाले भोजन खाते हैं तो उसमें आपको सेलुलोज मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको रॉगेज मेंशन कर दिया गया, मतलब रॉगेज का मतलब क्या, अगर आटे को आप चाल नहीं रहे हो, उसमें चोकर के साथ खा रहे हो, चने को छिलके के साथ खा रहे हो, या अमरूद है, सेब है, छिलके वाले जो फल सब्जियां खा रहे हैं, तो उसमें जो छिलका होता है हमारे शरीर में, जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जब वो जाता है तो बाउल मूवमेंट सही होता है, भोजन का जो घुमाव होता है वो अच्छी तरह से, डाइजेशन सही होता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। डाइजेशन अगर सही हो तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो अपच की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। पांचवा जो चीज है रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऐसा फूड जो है पॉजिटिव कहलाएगा जिसमें विटामिन और मिनरल्स की अधिकता हो, विटामिन्स और मिनरल्स की अधिकता, उसको हम पॉजिटिव फूड में गिनेंगे। और इसका सिक्स जो पॉइंट है उसमें मेंशन किया गया, हेल्प टू एलिमिनेशन द टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी, मतलब हमारे शरीर में जो भारी तत्व है, भारी तत्व का मतलब क्या, जो जहरीले पदार्थ हैं उनका एलिमिनेशन करने में सहायक हो, उसको हम पॉजिटिव फूड कहें, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर जाए, पूरी तरह से खत्म कर दे, उसको हम एलिमिनेशन द टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी कहेंगे। सातवां जो है नॉन म्यूकस फूड, ऐसे फूड जो हमारे शरीर में सलेस्मा को ज्यादा उत्पन्न न करें। म्यूकस अगर ज्यादा होगा तो हमारी श्वास नली बाधित होगी, श्वास नहीं ले पाएंगे और दिक्कत होगी, तो म्यूकस को बढ़ाने वाले फूड न हो, उसको हम पॉजिटिव फूड में गिनेंगे। और लास्ट जो है इसमें एग्जाम्पल अच्छी तरह से दे दिया गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जितनी भी हरी सब्जियां और फल हैं वो सब पॉजिटिव।